नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हो? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा तमाम इकोनॉमिक्स का जो मानना है कि बिटकॉइन का प्राइस भले ना बढ़े, लेकिन बाकी ऑल्ट कॉइन का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। क्या रीज़न है इसके पीछे, कौन कौन ऑल्ट कॉइन में पार्टिसिपेट करना है, मार्केट का हालात क्या है, इन डिटेल्स बात करेंगे इस वीडियो में गाइस। तो वेलकम टू क्रिप्टो एस्पायर। एज यू नो गाइस, द नंबर वन यूट्यूब चैनल फॉर क्रिप्टो एडुकेशन। हियर वी बेसिकली यूज टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, मेटाभर्स, वेब थ्री, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन एंड सो ऑन, यूजिंग स्टोरीज, एनालॉजीज एंड एग्जाम्पल्स, सो दैट एनी इंडिविजुअल हैविंग नो क्रिप्टो नॉलेज कैन ईजिली अंडरस्टैंड देम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आर्टिकल निकल कर आया है, आप देख सकते हो कि इकोनॉमिस्ट पीटर स्किप का मानना है कि बिटकॉइन भले ना बढ़े लेकिन बाकी ऑल्ट कॉइन बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि तमाम जो है, जिस तरह बड़े बड़े एक्सचेंज का नाम यहाँ पर शामिल है, जिस तरह फ्रॉड किया गया, लोगों का जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो डेफिनेटली एक पैनिक है। लेकिन बाकी ऑल्ट कॉइन, मीम कॉइन बढ़ने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जिस रैली पे, जिस साइकिल पे ये चल रहा है, फ्रॉम देयर यू कैन प्रेडिक्ट कि जो प्राइस है मीम कॉइन या वर्ल्ड कॉइन, डेफिनेटली ये बढ़ सकता है। यहाँ पर और एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है रिलेटेड टू इथेरियम, कि इथेरियम का प्राइस क्या हो सकता है, क्योंकि 100 SA में सिंपल जो है मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए कि अभी जो है ये डाउन साइड जाने का संभावना है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अभी फ्यूचर ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि क्योंकि मार्केट ज़्यादातर समय क्या देख रहा है, साइडवेज मूवमेंट में है। तो अगर आपको 1%, 2%, 3% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप बहुत मतलब इन्वॉल्व है फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो 1%, 2%, 3% मैक्सिमम 5-6% प्रॉफिट बुक करके आप प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लेकिन मेरा सलाह यही है, फॉर द टाइम बींग यू शुड नॉट एडोप्ट योर सेल्फ इन फ्यूचर ट्रेडिंग, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है गाइस। लेट्स टॉक अबाउट की है यहाँ पर और एक न्यूज़ है जो बेबी डॉज कॉइन के लेकर आया है। जैसे कि बेबी डॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थोड़ा जो है प्राइस का मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक सस्टेनेबल प्राइस में है। जैसे कि आप देख सकते हो 0.9x0.9422 सीरीज में अभी चल रहा है, और द लास्ट 24 आवर्स में 0.20% का मार्केट का जो है प्राइस इंक्रीमेंट यहाँ पर है। और जैसे कि इसका अगर ट्विटर हैंडल अगर आप देखोगे तो कुछ जो है वीकली जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है यहाँ पर देख सकते हो, बेबी डॉज जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आया है बेबी डॉज कॉइन वीकली रिपोर्ट, जहाँ पर देख सकते हो कि लाइफ टाइम बेबी डॉज कितना बर्न हुआ यहाँ पर मेंशन किया गया है, काफ़ी बड़ी बात हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो गेन फॉलोअर्स, इसका फॉलोअर्स तो डे बाई डे बढ़ ही रहा है, इट्स काफ़ी गुड न्यूज़ फॉर बेबी डॉज होल्डर्स, राइट। फिर अपडेटेड स्मार्ट राउटर फॉर विसुआ, पैनकेक स्वैप एंड ऐप स्वैप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ट्रेंड बेबी डॉज कॉइन ऑन ट्विटर हमेशा तो ट्रेंडिंग में रहते ही है। बेबी डॉज आर्मी ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, ये भी ट्रेंडिंग में रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बार्निंग इन्फो एनालिसिस जो है लाइव किया जाता है। फिर फार्मिंग एंड फूल्स UI अपडेट जहाँ यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैजिक स्क्वायर लॉन्च, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाता है एज पर बेबी डॉज होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। और जहाँ तक मानना है कि अगर आप थोड़ा कंपेयर करोगे, थोड़ा हिस्ट्री उठा के देखोगे कि 2013 2014 में अगर डोज कॉइन किसी ने खरीदा था तो कोई नहीं सोचा ये 60-70 रुपीस तक जाएगा, राइट। लेकिन ये गया था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आप एक कोई सट्टा बाजार नहीं है, अगर आप वाकिफ एक इन्वेस्टर हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू वेट एंड वॉच द मार्केट एंड यू हैव टू गैदर द इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू गैदर द नॉलेज, रेगुलरली अपडेट में रहना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में इन्वेस्ट करोगे, दूसरे दिन में आप अरबपति बन जाओगे, पॉसिबल नहीं है। वेट करना है, हिस्ट्री उठा के देखोगे क्रिप्टो मार्केट का, आपको पता चल जाएगा। ऐसा बियर मार्केट आता है, लेकिन बियर के बाद बुलिस भी आता है, राइट। तो आने वाले
बुल रन में आपको बहुत अच्छे खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है गाइस, थोड़ा पेशेंस दिखाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो फाड फाड इज टेम्पोरारी ट्रूट इज लार्ज, जैसे कि सीजेड बाइनेंस ने ट्वीट किया था, तो डेफिनेटली फाड जो होता है वो टेम्पोरारी होता है हर चीज़ में, जो ट्रूथ है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है गाइस। तो ये बिलीव सिस्टम आपको भी मानना है, जैसे कि सीजेड बाइनेंस का मानना है, तो आपको भी यही रबाय के साथ आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली यू कैन जनरेट अ ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। अदरवाइज क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर पैनिक में आ जाता है, सेल कर देते हैं, लॉस होता है। जब तक आपका एसेट आपका वॉलेट में है, आपका एक्सचेंज में है, तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है भाई, अभी आप लॉस में नहीं हो। जब तक आप सेल नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस, तो आप लॉस में नहीं हो गाइस, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गेट आयो। गेट आयो लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है गाइस यहाँ पर, जैसे कि यू कैन सी क्रिस्टमस सेशन स्पेशल जो है चल रहा है, जहाँ पे आप $50,000 तक आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ जाके आप जरूर इसको चेकआउट करें। फिर देख सकते हो ट्रेडिंग कंपटीशन का चल रहा है, $10,000 प्राइस पूल है यहाँ पर। आप देख सकते हो वांटेड रिकमेंडेड प्रीमियम लेट ट्रेडर्स गेट रिवार्ड, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपको रिवार्ड देखने को मिलेगा। तो काफ़ी नया नया जो है यहाँ पर कंपटीशन चलता है हमेशा के लिए, तो डेफिनेटली अगर आपका एसेट को एक अच्छे जगह पे आप सुरक्षित रखना चाहते हो, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक सिक्योरिटी के साथ, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट gate.io। तो gate.io में ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है, जस्ट ऐप को ओपन करना, ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडिंग ऑप्शन है, फ्यूचर ट्रेडिंग, कम्युनिटी, जाके हर वे में यू कैन मेक योर ट्रेडिंग, ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंट है। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा gate.io का, वहाँ पर जाके आप जो साइन अप करोगे तो आपको जो ट्रेडिंग फीस है आपका वो और भी कम लगेगा गाइस। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया है, और वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है गाइस, और बता देता हूँ गाइस, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन यू शुड कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और एज यू नो क्रिप्टो मार्केट पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च एक बार ज़रूर करें, क्योंकि लर्निंग इज़ द बेस्ट मेकानिज्म गाइस, एनी फील्ड में, क्रिप्टो में हो या स्टॉक मार्केट में हो, एनी फील्ड में। तो लर्निंग जो है वो रवाया आप हमेशा हमेशा के लिए इसको कंटिन्यूटी रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहे, सुरक्षित रहे, जय हिंद, बाय बाय।